पंचायत चुनाव में चले चाकू, प्रधान प्रत्याशियों के समर्थक भिड़े, चाकू से हमला, लोग गंभीर घायल, घायल की गर्दन पर हमला, चाकू से मुंह फटा, पुलिस ने कराया मेडिकल, प्रधान पद के लिए महिलाएं बनी प्रत्याशी, प्रत्याशियों के समर्थकों में लाठी और चाकू चले, पुलिस ने मामला किया पंजीकृत। हम लोग वोट मांग रहे थे, ये बच्चा तो अलग खड़ा था, वो लोग आए, विपक्षी दल श्याम बाबू एक लड़का गजेंद्र और एक लड़का ब्रजेंद्र और राम बाबू, और तुरंत आते ही चाकू और लाठियों से वार करने लगे। हम तो तुरंत भाग दिए, ये बच्चा बुरी तरह मारा और चाकू से वार कर दिया, इसके दांत उसमें लाठी से तोड़ दिए और चाकू से ही फाड़ दिए। तो ये बताइए कि जो आपके साथ घटना हुई है, आप क्या प्रधानी का चुनाव लड़ रहे हैं? हाँ, मेरी पत्नी प्रधानी का चुनाव लड़ रही है। किस नाम से? अवन यादव। तो फिर वो दूसरा पक्ष भी प्रधानी का चुनाव लड़ रहा है? जी। किस नाम से? वो क्या नाम, संगीता यादव। तो फिर क्या मामला था कि जिसको लेकर उन्होंने इस तरह की बात की? वो सर, वो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं। तो ये आपके कौन है? ये वैसे तो हमारा सपोर्टर है, लेकिन उन्होंने इसको ये मान के ये वोट मंगवा रहा है, जबकि ये और इसका भाई राजमिस्त्री करने आया था मकान बनाने के लिए। तो फिर ऐसी स्थिति में क्या लगता है आपको कि क्या आपके ऊपर भी हमला करने आए? 100% सर हमला नहीं, हमको और हमारे परिवार को जान से मार देंगे। इसके लिए भी आपने पुलिस को कंप्लेंट नहीं की? नहीं, मैंने कहा था इंस्पेक्टर साहब से परसों, तो उन्होंने कहा था कि नहीं कुछ नहीं होगा, और मेरा विशेष आग्रह है प्रशासन से कि हमारे परिवार और मुझे और प्रत्याशियों मेरे समर्थकों की जान को बहुत बड़ा खतरा है, मेरी जान बचाई जाए, मेरी मदद की जाए, मेरी सुरक्षा की जाए, मैं गुहार लगाता हूँ। आपको बता दें, यह हमला उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद के भरतना थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पाली खुर्द में मध्य रात्रि वोट मांगने पर प्रधान समर्थकों और प्रधान पतियों के बीच में संघर्ष हुआ, जिसमें लाठी और चाकू से हमले हुए। चाकू से एक युवक गंभीर घायल हो गया। पुलिस ने मामला पंजीकृत कर हंगामा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है, घायल का मेडिकल कराया गया है। कल पाली खुर्द से ये रात्रि में सूचना आई थी कि दो प्रधान प्रत्याशी पद हैं, जिनमें कुछ खाना वाना खिलाने को लेकर झगड़ा हुआ है। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस इंस्पेक्टर और सीओ भरतना तत्काल मौके पर पहुंचे थे। पूरे प्रकरण में कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिन लोगों पर आरोप है कि वो झगड़े में शामिल थे, जिनके चोट लगी है उन्हें मेडिकल के लिए भेज दिया है। यद्यपि कोई पक्ष अभी तक FIR लेकर नहीं आया है, थाना प्रभारी और क्षेत्राधिकारी को निर्देशित किया गया है कि इसमें उचित धाराओं में अभियोग जो भी लोग संलिप्त थे उनके खिलाफ अभियोग पंजीकृत करके उन्हें दंडित किया जाए और कठोर कार्रवाई की जाए, जिससे कि आने वाला जो पंचायत चुनाव है उसे सकुशल संपन्न कराया जा सके।